मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने बुलाई थी बैठक, महाधिवक्ता और विधि विभाग के प्रमुख सचिव बैठक में थे शामिल, मंत्री भूपेंद्र सिंह भी हुए थे शामिल। मध्य प्रदेश का विधानसभा शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक स्थगित, सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र किया स्थगित, कमलनाथ बोले भाजपा की कथनी और करनी में अंतर। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर फिर शिवराज सरकार को घेरा, लिखा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना 70% आबादी के साथ होगा अन्याय, बिना समाधान न हो चुनाव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज समेत मंत्री भूपेंद्र और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को मानहानि का नोटिस, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने भेजा 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। और छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगम समेत 15 निकायों में मतदान संपन्न हुआ, 1035 केंद्रों पर चल रहा ये मतदान, सुबह 8 से 5 बजे तक मतदान रहा चल। आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान दिवंगत पत्रकारों के जीवन और उनके योगदान पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया, बिछड़े कई बारी बारी नाम की पुस्तक का विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में विमोचन हुआ, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पीकर गिरीश गौतम ने की, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि सभी को मिलकर तीसरी लहर आने से रोकना है और भविष्य में ऐसी पुस्तक फिर दोबारा न लिखना पड़े, ऐसी कोशिश हमें करनी है। इस मौके पर दिवंगत पत्रकारों के परिजन भी मौजूद रहे। जनता बहुत जल्दी भूलती है, अब अप्रैल मई जून ज्यादा दिन नहीं गए, जिस समय हम गहरी वेदना के समुद्र से गुजर रहे थे, लाशें गिरने का काम रोज कर रहे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के टैंकर रेमडेसिविर इंजेक्शन रात रात में चल रहे थे। अभी भी कोशिश यह है कि व्यवस्थाएं ठीक रखी जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि समाज समय के पहले अवेयर हो जाए, और इसलिए मैं हाथ जोड़ के मीडिया के मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा कि आने वाले संकट से आगाह करने में आपका जो कर्तव्य है आप पूरा निश्चित तौर पर करें, क्योंकि वो बहुत। और चलिए हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के एडिटर इन चीफ रितेश धारवार जी। रितेश जी, जिस तरह से पुस्तक का विमोचन हुआ और पुस्तक का नाम इतना खूबसूरत है, बिछड़े बारी बारी, लेकिन जो उसके अंदर के शब्द हैं वो दर्द देंगे, और जिसे लेकर सीएम ने कहा कि ऐसा ही मौका ना आए कि दोबारा इस तरह की पुस्तक लिखना पड़े, क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के संबंध में? नहीं, बिल्कुल क्रांति प्रिय, जिस तरीके से आज विधानसभा के अंदर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिस वाकई एक दर्दनाक हादसा त्रासदी हम कहेंगे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जहां पे करीब प्रदेश के 100 से अधिक पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई और अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते रहे और कर्तव्य का पालन करते करते वे भी जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और अंततः उनकी मौत हो गई। तो वाकई मौत किसी भी प्रकार से हो दुखद ही होती है, लेकिन उन्हीं की यादों को संग्रहित करते हुए उनके जो अच्छे काम थे, अच्छी चीजें थी, उनको सरकार ने एक स्थान दिया और पुस्तक के रूप में उसको याद को समेट कर रखा है, जो विधानसभा के अंदर हमेशा के लिए वहां पर रखी रहेगी, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में जान सके, पहचान सके।
क्योंकि त्रासदी थी, जिस त्रासदी को पूरे देश ने झेला, पत्रकारों ने झेला, पत्रकार अपने कर्तव्य निष्ठा से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कोविड काल में जहां लोग अपने घरों में कैद थे, वहां उन्हीं कोविड पेशेंट्स के लिए पत्रकार संघर्ष करते रहे, सड़कों पर रहे, हॉस्पिटल से गए, दौरा किया, और जो सरकार की अच्छी बातें थी उनको भी दिखाया, जो कमियां सिस्टम के अंदर थी उनको भी दिखाया, और अपनी जान की परवाह किए बगैर जो कर्तव्य निष्ठा का जो पालन किया, और वे वाकई दिवंगत हो गए। ये दुखद था, और उन्हीं की यादों को संग्रहित करते हुए इस प्रकार से पुस्तक का विमोचन किया गया है। बाकी एक उनके प्रति एक श्रद्धांजलि का भाव था। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना होगा, उन्होंने भी अपने ओर से जो भाषण में कहा कि जो त्रासदी कभी ना आए, दोस्त से हमने गुजरे हैं, चीजों को हमने बारीकी से देखा है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक नए तरह का एक वायरस था, जिसने वाकई पूरी दुनिया को जो मानवता था, मानवता को बिछड़ा रख दिया। तो वाकई दर्द भरे पहलू जो लोगों ने प्रदेश में, देश में झेले हैं, उन पहलुओं को एकत्रित कर एक पुस्तक के रूप में आज रखा गया है। और ऐसी त्रासदी भविष्य में कभी ना हो, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। लेकिन एक चीज और है, चूंकि कोविड का खतरा अभी फैला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक ओमिक्रॉन वायरस भी सक्रिय है, 2018 में फिर से ये वायरस एक्टिव हो सकता है। इसके बाद में यदि पत्रकारों को भी आवश्यकता है कि वो सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि इस तरीके के जो खतरे हैं उनसे बचा जा सके। बिल्कुल, लेकिन जब एक सवाल ये भी उठता है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा हाशिए पर रहती है, शायद यही कारण होता है कि सरकार को इस ओर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी चाहे मैं हत्या की बात करूं, उनके द्वारा की गई आत्महत्या की बात करूं, और या फिर किसी भी तरह से उनकी असुरक्षा की बात करूं। बिल्कुल, पत्रकार समाज का एक वो वर्ग है जो किसी भी दौर में, किसी भी हालात में, कोई भी जैसे अनजस्ट होता है, गलत होता है, तो व्यक्ति पत्रकार के पास ही आता है। पत्रकार ही एक माध्यम होता है जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी का काम करता है, क्योंकि एक सूत्र होता है पत्रकार, जिसको सूत्रधार कहा जाता है, एक ब्रिज संवाद सेतु भी कहा जाता है, कि वो ब्रिज का काम पत्रकार करते हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस जो ब्रदरी है जो हमेशा संकट में जूझती है, संकटों को सामना करके, सारे मौसम बर्दाश्त करके, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तमाम मौसमों को दर्द ना करते हुए सिर्फ कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करते हैं, जमीन पर जद्दोजहद करते हैं, और हर शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए जी जी रिदेश जी, कुछ अगर आप जोड़ना चाह रहे हो। बिल्कुल, जैसे कि हम कहें कि हम यही कह सकते हैं कि पत्रकार भी समाज का एक हिस्सा है, वो भी अपने संघर्ष के साथ काम करते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ जरूरी ये हो जाता है कि आप भी सुरक्षित रहें और सुरक्षित वातावरण में काम करें, जितना हो सकता है सजग रहें, ताकि इस तरह के खतरों से बचा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिदेश जी हमसे जुड़ने के लिए। वाकई बतौर पत्रकार और हम इस बिरादरी की तरफ से ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब हमें भी अपनी सुरक्षा को और टाइट कर देना होगा, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है और एक बार फिर से हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ते हैं कोरिया की इस खबर से कि मनेंद्रगढ़ में 15 महीने बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की हत्या और दो अन्य मामले में आरोपी फरार चल रहा था। फरार आरोपी अमृतधारा में पिकनिक मनाने वालों से खाना मांगकर जीवन यापन करता था। आपको बता दें कि तितली माडा हसदेव नदी स्थित हस्तिनापुर जंगल में महिला की लाश मिली थी। इस मामले में आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। दिनांक 8/9/20 को फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुआ था कि एक सड़ी गली लाश जंगल में मिला है, जिसकी सूचना पर तितली माड़ा हसदेव नदी हस्तिनापुर जंगल गए, जहां पर शिनाख्त करने पर वो सोनिया नाम की महिला निकली, जो कि सुद्धू सिंह की दूसरी पत्नी थी। बाद में जब पता तलाश किए तो उस दिन से सुद्धू सिंह फरार था, जबकि अन्य दो प्रकरणों में पूर्व से भी फरार है, जिसको तलब कर लाकर पूछताछ किए, जो घटना स्वीकार किया है और गला दबाकर हत्या कर खाई में छिपाना बताया है। गिरफ्तार कर उसको नए रिमांड पर भेजा गया। और इस पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता कोरिया से श्रवण कुमार फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। श्रवण, 15 महीने बाद अपराधी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, अपनी ही पत्नी का हत्यारा था ये आरोपी, क्या है तमाम जानकारी? देखिए ये जो पूरा मामला है ये कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ थाना का है। आपको बता दूं कि सितंबर 2020 को
ये पिपली माड़ा हसदेव नदी में एक सड़ी गली लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और सड़ी गली लाश होने के बाद उनको पहचाने में काफी दिक्कत हो रही थी और उनकी जो पहचान हुई थी वो सोनिया सिंह के नाम से पहचान हुई थी। और जिस दिन वो लाश मिला था उसके कुछ महीने पहले से ही वो उसका पति जो है फरार था, तो पुलिस जो है महेंद्रगढ़ पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इसका जो हत्या है वो उसके पति ने की है, लेकिन पति हत्या करने के बाद लगातार फरार था। आज जो है उसके पति को अमृतधारा नदी से वो उसको पकड़ा गया है, क्योंकि वो हत्या कर फरार होने के बाद वो अमृतधारा एक महेंद्रगढ़ क्षेत्र का पर्यटक स्थल है, वहां पे सैलानी आते थे और उसका जो खाना मिलता था उसको खाकर वो गुजर बसर कर रहा था। और जब उसको पकड़ करके जो पूछताछ की गई तो वो जो उसका पति था उसका कहना ये था कि ये जो सोनिया थी उसकी दूसरी पत्नी थी। अच्छा। और उस दौरान सितंबर माह में उसका जो पूर्व पति था वो आया था, जिसको लेकर के विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि उसके पति के जाने के बाद वो उसकी पत्नी को जंगल की तरफ ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को उसी जंगल में छुपाकर फरार हो गया था। तो लगातार पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही थी और आज जाके मुखबिर से इसकी पता चला कि ये अमृतधारा में छुपा है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बिल्कुल, जैसा कि बताया गया है कि पत्नी की हत्या के साथ साथ दो अन्य मामले में भी फरार चल रहा था, तो कौन से दो अन्य मामले थे? क्या ये शुरुआत से ही अपराधी प्रवृत्ति का था? इस पर और भी कई मामले दर्ज थे? देखिए, इसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ दो अन्य मामले हैं, लेकिन वो मारपीट का मामला था और इसके अलावा जो है जो और 376 जैसे संगीन आरोप का भी मामला ये तो जो था आरोपी था। हालांकि ये दोनों में फरार था, लेकिन पुलिस ने अब जाकर के इसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर द्वारा अवैध रूप से सूदखोरी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कोटडी मांडा के रहने वाले सुमेर सिंह राजपूत ने जयपाल सिंह से इलाज के लिए पैसे लिए थे। आरोपी जयपाल सिंह ने सुमेर के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। फरियादी के आवेदन पर नाहरगढ़ पुलिस ने सूदखोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। सूदखोरों और चिटफंड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विशेष अभियान संपूर्ण जिले में चल रहा है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील पांडे के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इसी क्रम में थाना नारगढ़ पर भी एक सूदखोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कोटली मांडा निवासी सुमेर सिंह ने आवेदन दिया था कि उन्हें अपने कैंसर से पीड़ित हैं। ये उन्होंने अपने इलाज के लिए गांव के ही जयपाल सिंह तथा बने सिंह से 58,000 रुपये लिए थे। उसके एवज में 2% के ब्याज की देने की बात तय हुई थी, लेकिन जयपाल सिंह ने धोखाधड़ी कर इससे सितमो ले जाकर काबू पर दस्तक करा ली। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी देने के लिए खबर भारत मंदसौर से संवाददाता शुभम चौहान। शुभम, जैसा कि निरीक्षक होने का फायदा उठाया है, जिससे कर्ज लिया उसी ने जमीन को अपने नाम कर लिया, कितना पुराना ये मामला था, कितना कर्ज था उसका? जी क्रांतिप्रिया, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे सूदखोरों के अभियान में जी शुभम, ये नाहरगढ़ थाना का मामला है, जहाँ पहले इसके ऑफिस के यहाँ पे जो शिकायत प्राप्त हुई थी, तो नारगढ़ थाने में शिकायत गई, तो उन्होंने नारगढ़ थाने में शिकायत प्राप्त हुई, तो जैसे उक्त आरोपी शिकायत जांच करते हैं, आरोपी जयपाल सिंह द्वारा अवैध रूप से जमीन हड़पने, सुखोरी का धंधा करने, अश्लील शब्द का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी मामला पाए जाने से सुखोर जयपाल सिंह पिता बने सिंह निवासी कोठड़ी मांडा के विरुद्ध थाना नारगढ़ अपराध में मामला दर्ज हुआ था। जी
बिल्कुल। और कितने मामले हैं सूदखोर पर? क्या ये पहले भी इस तरह के काम कर चुका है? पहले भी अपने कर्जदारों की जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करवाता रहा है, रजिस्ट्री करवाता रहा है? जी कांतिपुरा में बताना चाहूंगा कि यहाँ ये जो है यहाँ का पोस्टिंग वाला का मामला है, जहाँ से ये कई ऐसे लोगों को फंसाने का जैसे कि किसी तरीके से करते हैं, जैसे कि अनपढ़ लोगों को ये फंसाते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक गंभीर है मामला, इनके भी कई दर्ज है, तो ये बड़ी जी। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। बैरागढ़ में व्यापारी संगठन जीएसटी 5% से 12% किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 1 जनवरी से जीएसटी टैक्स पर फेरबदल करने को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है। इसी के विरोध में व्यापारी थाली, घंटी और शंख बजाकर विरोध करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घंटी बजाकर अपनी मांगे रखेंगे। रविवार को हमारी गूगल मीट का आयोजन हुआ था। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी नीमच, खरगोन, रीवा, सतना, जो हमारा मध्य प्रदेश संघर्ष समिति बना था जिसका मैं भी मेंबर हूं, हम लोगों ने निर्णय लिया कि 7 से 7:20 तक, मंगलवार से गुरुवार तक, शहर की सभी दुकानों की लाइटें बंद करेंगे और ब्लैक आउट करेंगे और थाली या लोटे बजा के हम इसका विरोध करेंगे, जीएसटी का विरोध करेंगे। अगली कड़ी की प्लानिंग जो हमारी होगी वो भी ये है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद बंद का भी एक हम लोग विचार कर रहे हैं। पहली कड़ी में हम मंगल से गुरुवार तक 7 से 7:20 तक ब्लैकआउट और थाली बजाएंगे। कोरोना काल के कारण व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री सीतारमण से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने जो 1 जनवरी से कपड़े पर 12% का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो ना करें। नोट यदि कपड़े पर 5% की जगह 12% जीएसटी लगेगा तो निश्चित रूप से उसका भार जनता पर ही पड़ेगा। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं खबर भारत भोपाल से, प्रदीप तलरेजा जी। प्रदीप जी, जिस तरह से देखा जाए तो व्यापारियों का घंटनाद, मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे ही तरीके मुझ पे ही आजमाए जा रहे हैं पीएम मोदी जी के, अगर व्याप में इस बात को रखा जाए तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से संत हरदाराम नगर के जो व्यापारी है, सिर्फ संत हरदाराम ही नहीं, नगर राजधानी भोपाल के जो कई क्षेत्र के जो व्यापारी है जो कपड़े का व्यापार करते हैं, एक जो है अब वो 1 जनवरी को जो है घंटा, घंटी और शंख बजाकर जो है शंखनाद करेंगे। क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो कपड़े पे जीएसटी 5% लगती थी, अब वो बढ़ के 12% होगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो रोष है वो व्याप्त है, जिसके चलते जो है व्यापारी इस प्रकार के जो कृत्य है अब वो करने के लिए मजबूर हो गए। और इसी पर उन्हीं का तैतरा है, क्योंकि हमने देखा है कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के संग थाली और थाली बजाकर जो है कोरोना वायरस को सम्मान करने की जो बात कही थी, कहीं ना कहीं अब उसी के तर्ज पे जो अब जो कपड़ा व्यापारी है अब उतरेंगे। बिल्कुल, तो पहले तो उन्होंने कहा है कि घंटनाद करेंगे 7 से 7:20 तक, मंगल से गुरुवार तक का ये उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन और तीसरी कड़ी होगी बंद का आह्वान। देखिए, निश्चित तौर पर जब व्यापारी परेशान रहता है तो तकरीबन कई प्रकार के अड्डे भी अपनाता है, चाहे वो यहाँ के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिलने की बात हो, चाहे नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री से मिलने की बात हो, तमाम जो बड़े नेता हैं उन सभी से मुलाकात जो है वो लगभग कर ही चुके हैं। लेकिन जो अमूमन ये देखा जाता है कि मुलाकातों का असर जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। मुलाकात के बाद भी जो है अपने व्यापारियों को आश्वासन दिया जाता है कि अब इस पर जो है आगे की चर्चा की जाएगी, लेकिन व्यापारियों को जो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए या जीएसटी से जिस प्रकार की राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अब जो है व्यापारी मजबूर
हो चुके हैं अब प्रशासन के सामने कि अब उनके पास सिर्फ तीन ही चीजें हैं कि पहले तो ताली व थाली बजाएंगे, इसके बाद जो है वो उग्र आंदोलन तक जाने की जो बात है, चाहे व्यापार को बंद करने की, व्यापार बंद करके आंदोलन करने की बात हो, तब ऐसे जो तरीके हैं उनको कहीं ना कहीं अपनाया जाएगा। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के संत नगर, तो सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट अगर इंदौर के बाद अगर कोई जानी जाती है वो संत नगर की जानी जाती है, क्योंकि यहाँ सूरत के साथ साथ जो है कई क्षेत्रों से यहाँ पर कपड़े भी आते हैं। तो ये देखा जाएगा कि इसका बड़ा जो मार्केट है जो करीबन 500 करोड़ से ज्यादा का साल में ट्रांजेक्शन करता है जी, उसको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 60% अगर अधिक जीएसटी देनी पड़ेगी तो उसके कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो व्यापारियों पे पड़ेगा। बिल्कुल, और व्यापारियों का जो असर, व्यापारी पर जो असर पड़ेगा उसका असर देखने को जनता पर भी पड़ेगा। शायद यही कारण है कि बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा है जनता से अपील करते हुए व्यापारी कि आप भी इसका विरोध करें। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जो विरोध होना चाहिए, विरोध तो स्वाभाविक सी बात है, हर चीज का होना चाहिए। अगर हम बात जीएसटी की करते हैं तो देखिए जीएसटी जब कांग्रेस सरकार ला रही थी उस समय, जब सेंट्रल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब इसको लेके आ रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका काफी विरोध भी किया था। लेकिन अब जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि अब लगातार जो जीएसटी है सभी चीजों में लगभग बराबर की देखी जा रही, कोई में किसी में 12% है, किसी में 16%, किसी में 18% तक की जीएसटी है। और ऐसे में अब जो जो जरूरी चीजें हैं जैसे कपड़ा जो जो व्यक्ति के जीवन में ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये तीन ही चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा इसको देखता है। अब कपड़े के ऊपर जिस प्रकार से टैक्स का भरना, कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए तो इनकी कमाई का जरिया तो कम हो ही रहा है, लेकिन आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं इसका भार भी देखने में आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो प्रतिशत तय हुआ है 5 से लेकर 12, मतलब दुगना भी नहीं कह सकते, दुगने से भी ज्यादा। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से जीएसटी बढ़ी जो 1 जनवरी से जो लागू होगी, अब जो करीब 5% जो बढ़कर 12% तक होगी, मतलब 7% की जो बढ़ोतरी की जा रही है जीएसटी में, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारियों की कमाई एक तो पहले ही सीमित दायरे में रहती है, क्योंकि हमने देखा कोरोना के बाद से पहले ही मार्केट की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी सुदृढ़ नहीं हो पाई, अभी व्यापार धीरे धीरे चलना प्रारंभ ही हुआ है, मतलब फिर से एक छोटे बच्चे की तरह चलना सीख रहा है। बिल्कुल, ऐसे में व्यापारी ऊपर 7% का टैक्स लगना कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई की बात हुई थी बीच में, महंगाई दर बढ़ रही है, हमने इस पर इस मुद्दे को भी उठाया था खबर भारत में, महंगाई की एक झलक देखते हुए व्यापारियों का ये जो विरोध है वो दिखाई दिया, बहुत सारी बातें प्रदीप जी, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे कि किस तरह से तीसरी लहर की आहट हो चुकी है। अभी 2 लहर की जो आर्थिक कमी थी, जो लो आम आदमी की अगर हम बात करें, कमर पहले से ही टूटी हुई आर्थिक स्थिति की, और अब फिर से एक बार और वजन लाद दिया जा रहा है, तो ये उसके कंधे पर लगातार बोझ पर बोझ डाला जा रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामले है, पूरा जो लोगों को कहीं ना कहीं जो जो टैक्स की मार है वो आम जनता से ही कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, और कहीं ना कहीं आम जनता काफी जो पहले से ही तंग है, अब उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा तंगी का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारियों के लिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, 60 साल राज करने के बावजूद एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया, मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया लेकिन यहां पर भी एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दे सके, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिए लेकिन पंच सरपंच जनपद पिछड़े वर्ग के बनते थे उनका भी हक छीन लिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया, मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, मध्य प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 3-3 मुख्यमंत्री दिए,
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच सरपंच जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे उनका भी हक छीन लिया। अशोकनगर के मुंगावली में एक महिला ऑपरेशन से जन्मी अपनी 4 दिन की बच्ची छोड़कर गायब हो गई। महिला ने अपने परिजन को अलग अलग बहाने से वार्ड से बाहर भेज दिया और नवजात बच्ची को पलंग पर छोड़कर भाग निकली। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल परिसर में तलाश करने पर भी महिला का कहीं पता नहीं चला। और वहीं परिजनों ने बताया कि कई सालों पहले महिला को मानसिक बीमारी थी, लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। कौन थी आपकी, कौन लगती थी? अरे हमारे घर से आएगी, पता नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, कब आई? नहीं, बच्चा कब हुआ था? बच्चा हो गए 5 दिन, गुरुवार के दिन भाई थी। अच्छा, हम ऑपरेशन से डिलीवरी भाई थी। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन से हुई थी। ऑपरेशन कितने बजे चली गई अस्पताल से? अरे हम अभी जाएंगे घंटे और डेढ़ को। अच्छा, आप कहाँ कहाँ तक देखा है? अरे हम पानी गर्म करने चले गए घर बार, इतने में से निकल गए। अच्छा, आपने पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ चली गई? ढूंढने भी जा रहे होंगे। ये अभी उनके परिवार वाले मेरे पास आए थे कि श्रीमती विशाखाबाई हैं, जिनके पति का नाम कनेगीराम है, तो उनका ये कहना है कि वो सुबह तक थी, इसके बाद चली गई हैं कहीं। तो मेरे द्वारा हॉस्पिटल में सर्च करवाया जा रहा है, लगभग 4-5 दिन से वो भर्ती थी। तो इस विषय में उनको बोला गया है वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करें, और बच्ची तो यहीं पर है, माँ अभी उनकी कहीं चली गई है, इस विषय में जानकारी ली जा रही है। और चलिए हम इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अतुल त्यागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अशोकनगर से खबर भारत के संवाददाता। अतुल, जिस तरह से महिला के बारे में बताया जा रहा है कि 4 दिन की बच्ची को छोड़कर गायब हो गई, कहां गई, क्यों गई, क्या कारण रहे, ये भी बताइए। और ये भी पता चला है कि वो मानसिक रोगी थी, तो क्या ये सच था? जी, मैं आपको बता दूं, यह महिला तहसील मोहाली से यहाँ पर आई थी और परिजनों के साथ में यहाँ पर एडमिट थी और उसकी डिलीवरी होना था, इसको लेके और परिवार के लोग और भी साथ में थे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी मानसिक रोगी थी जिसके कारण वो लोग वहाँ पर थे, लेकिन उनके जो परिजन है वो बहुत लेने, जब डिलीवरी नहीं हो रही थी तो वहाँ पास में एक मंदिर है, वहां पर बहुत लेने गए और ये भभूत के बहाने से मार गई और ये फरार हो गई। बिल्कुल, क्या बच्चे की स्थिति अच्छी है? सबसे पहला सवाल तो मानवता से जुड़ा हुआ जरूर ये पूछना चाहेंगे। जी, बच्ची की स्थिति सामान्य है और परिजनों के साथ है बच्ची और हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल, अब बात ये उठती है, जैसा कि डी के भार्गव सिविल सर्जन हैं, जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात भी कही थी परिवार से, तो क्या किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई अभी तक? जी, उन्होंने एक आवेदन थाने कोतवाली में भेजा है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, आखिर क्या कारण है और क्या लापरवाही, उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अस्पताल की लापरवाही भी सामने आती है। अस्पताल की लापरवाही सामने आती है कि महिला कैसे छोड़ के चली गई, लेकिन जिसको जाना होता, जिसको आंख में धूल झोंकना या आंख से काजल चुराना, या आपने सुना होगा कहावत है, ऐसा भी हो जाता है। सबसे बड़ी चीज आती है पारिवारिक मसला। अगर महिला अपनी 4 दिन की बच्ची को छोड़कर कोई माँ चली जाती है तो कोई बहुत बड़ा ही कारण हो सकता है, तो क्या आपने परिवार से संपर्क कर कुछ कारण जानने की कोशिश की? जी बिल्कुल, परिवार से हमने बात की लेकिन परिवार भी इस बात को नहीं बता पा रहे आखिर क्या कारण है कि वो मतलब ऐसा कर बच्चे 4 दिन की बच्ची को छोड़कर भागना कहीं ना कहीं तो उन्होंने परिवार ने भी बताया कि हमको खुद जानकारी नहीं आखिर क्यों भागी है। बिल्कुल, उनके परिजनों में से महिला के पति से क्या बात हो पाई अपनी अतुल? जी, महिला के पति से बात नहीं हो पाई है क्योंकि उस टाइम महिला के जो पति थे वो नहीं थे वहां पर, उसके सिर्फ परिजन थे। अच्छा, तो 4 दिन लगातार वो हॉस्पिटल में थी, नजर आई और अचानक से 4 दिन बाद बच्ची को छोड़कर गायब हो जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।
पर फॉलो करें।